हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल वागड़ूदिया आपका डिजिटल आई टी आई यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझे काफ़ी कमेंट्स आई है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एग्ज़ाम जो CPW और DPW में एग्ज़ाम कंडक्ट होती है उसका सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों, मैं उन स्टूडेंट्स को आज जो CPW और DPW का सिलेबस है वो दिखाऊंगा। CPW और DPW का सिलेबस AOCP का ही फॉलो करना होता है। AOCP यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। तो यहाँ पे जो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट है वो 4 सेमिस्टर में होता है, यानी कि एक साल में 2 सेमिस्टर होते हैं, यानी कि 2 साल का ये पूरा कोर्स है ITI में। तो उसी का सिलेबस आप सभी स्टूडेंट को CPW और DPW जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एग्ज़ाम होती है उसमें फॉलो करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेमिस्टर 1 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस ऑफ द ट्रेड अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। ओके, सेमिस्टर 1। तो सेमिस्टर 1 में सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा सेफ्टी, जनरल सेफ्टी क्या लेनी होती है इंडस्ट्री में। फिर PPE इज़ यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या यूज़ होते हैं, सेफ्टी स्लोगन क्या होता है, फर्स्ट एड कैसे इंडस्ट्री और वर्कशॉप में हैंडल करते हैं। फिर दूसरा आएगा बेसिक फिटिंग। तो बेसिक फिटिंग में क्या होगा, डिफरेंट हैंड टूल यानी कि फाइल, सीजर, हैक्सो, हैमर। और फिर होगा मार्किंग टूल, यानी कि मार्किंग टूल में क्या गया, स्टील रूल, कैलिपर, डिफरेंट टाइप ऑफ पंच, प्रिक पंच, एंगल पंच। फिर उसमें पढ़ना होगा वी ब्लॉक, स्क्राइबिंग ब्लॉक। फिर होगा जॉब होल्डिंग डिवाइस। जॉब होल्डिंग डिवाइस में कौन कौन से आएंगे सर, जैसे वाइस, वी ब्लॉक, ये सब आएंगे। फिर होगा तो उसमें आगे पढ़ेंगे हम डिफरेंट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वनियर कैलिपर, वनियर डेप्थ गेज, हाइट गेज, माइक्रोमीटर इनसाइड, आउटसाइड माइक्रोमीटर, बेवल प्रोटेक्टर। फिर आगे होगा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में ड्रिलिंग क्या है, रिमिंग क्या है, थ्रेडिंग कैसे करते हैं। फिर उसमें आगे पढ़ेगी हम टाइप्स ऑफ थ्रेड, यानी कि मैट्रिक, BSW, BSF एंड BSP। उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ट्रैप ड्रिल साइज़ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो आएगा। फिर दूसरा जो सेक्शन रहेगा वो गैस वेल्डिंग का आएगा। उसमें भी गैस वेल्डिंग में हम सेफ्टी कैसे करेंगे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हो गए, उसकी वेल्डिंग के टर्म्स क्या हो गए, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये सब पढ़ना होगा हमें। उसमें आगे आएगा मेटल जॉइनिंग मेथड, कौन कौन सी मेटल जॉइनिंग मेथड होती है गैस वेल्डिंग में। उसमें आएगा रिवेटिंग, नट बोल्टिंग, सीमिंग। फिर थर्मल मेथड में क्या कौन कौन सी मेथड आएगी, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। फिर आगे हम गैस वेल्डिंग में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग, उसमें सेफ्टी कैसे लेंगे बिफोर और आफ्टर ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग, और कौन कौन से गैस यूज़ होते हैं गैस वेल्डिंग में। उसमें आगे आएगा ऑक्सी एसिटिलिंग वेल्डिंग, यानी इस वेल्डिंग में इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होगा, एसिटिलिन सिलेंडर का कलर क्या होगा, रेगुलेटर क्या होता है, ब्लो पाइप क्या होती है, होस पाइप क्या होती है, ये सब हमें उसमें पढ़ना रहेगा। कौन कौन सी टाइप्स की फ्लेम आएगी, कार्बराइजिंग फ्लेम आएगी, न्यूट्रल फ्लेम आएगी, ये सब फ्लेम के बारे में पढ़ना होगा। उनका फ्लेम का टेम्परेचर कितना रहता है, कार्बराइजिंग फ्लेम का, न्यूट्रल फ्लेम का, वो सब उसमें पढ़ेंगे। फिर गैस वेल्डिंग जैसे ही ख़त्म होगा तो फिजिक्स चालू हो जाएगा सेमिस्टर 1 में। तो उसमें क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के, फिजिक्स क्या है, मेजरमेंट विथ वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, जो हम आगे फिटिंग में पढ़ चुके होंगे, स्केलर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। फिर उसमें होगा ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, लॉज ऑफ फोर्सेस। फिर उसमें हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, मोमेंटम, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, उनके यूनिट क्या रहते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। उसी में हम आगे पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, स्ट्रेस किसे कहते हैं, स्ट्रेन किसे कहते हैं, इलास्टिक लिमिट किसे कहते हैं, हुक लॉ, फिर यंग मॉड्यूलस, ये सब हमें फिजिक्स में पढ़ना होगा। फिर उसमें आएगा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम का लॉ क्या है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं, किरचॉफ लॉ किसे कहते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वो सब पढ़ेंगे। फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट,
हीट कैसे कहते हैं, उसके यूनिट क्या क्या रहते हैं, फिर उसी में आगे हम पढ़ेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, टेम्परेचर किस कौन किससे मेजर होता है, वो सब इस यहाँ इसमें पढ़ेंगे हम। फिर आएगा फिजिक्स के ख़त्म होने के बाद आएगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, सेफ्टी प्रिक्वेशन टू बी टेकन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, फिर उसमें कौन कौन से लेबोरेटरी में डिफरेंट इक्विपमेंट और अपरेटस यूज़ होते हैं वो पढ़ेंगे। उसमें ही पढ़ेंगे हम आगे एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, वाटर की पीएच क्या होती है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। नॉर्मालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। फिर उसमें ही आगे आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मॉडर्न पीरियडिक लो, टेबल, ग्रुप ऑफ पीरियड और पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ना होगा। फिर उसमें आगे आएगा वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, हार्ड वाटर किसे कहते हैं, सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू फ्यूल एंड ट्रीटमेंट प्लांट, वो क्या कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसको फॉलो करते हैं, वो सब उसमें पड़ेंगे। फिर कोरोजन क्या है, कोरोजन के इफेक्ट क्या होते हैं, कोरोजन ना हो इसलिए से प्रिक्वेशन कैसे लेते हैं। फिर उसमें आएगा एलोट्रॉपी ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन होगा, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन और उसके एग्जांपल पढ़ेंगे। फिर IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, अल्केन किसे कहते हैं, अल्काइन किसे कहते हैं और उसके एग्जांपल। फिर उसमें लास्ट में आएगा डेफिनेशन ऑफ pH, जो मैंने आगे बताया कि pH मीटर क्या होता है, उसका pH मेजरमेंट ऑफ pH कैसे करते हैं, कंडक्टिविटी मीटर कैसे यूज़ करते हैं, ये सब पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये जो सब ये सब मैंने बताया वो सेमेस्टर वन के लिए है, ऐसे ही सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री और सेमेस्टर फोर के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने जो सेमेस्टर वन के लिए बनाया है ये OCP सेमेस्टर वन का वीडियो है, जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री के जो स्टूडेंट है वो CPW और DPW के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपको जो इसमें कंटेंट दिए है वो फॉलो करना है, ये आपको पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आशा रखता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।